हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में आप जानेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएसटी में भूल से भी ना लें इन चीज़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी भी करनी है, जीएसटी का रिकन्सिलेशन करना है, एनुअल रिटर्न की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किन चीज़ों का नहीं लेना है, और अगर आपने गलती से ले लिया है तो उन्हें आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्ड ITC अंडर जीएसटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस के साथ आपको पूरी क्लैरिटी देने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप देख रहे हैं CA गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। सो लेट स्टार्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें CA गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले, और ये करना बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जिन केसेस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, वो बताया गया है हमें सेक्शन 17(5) ऑफ CGST एक्ट 2017 में। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन सी हैं वो गुड्स, सर्विसेज या बोथ जिन पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला हमारा रहेगा मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। तो अगर आप मोटर व्हीकल या कोई भी कन्वेंस परचेज करते हैं, उन पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। पर इस केस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके एक्सेप्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं दूसरा कौन सा केस है जब ITC अवेलेबल नहीं होगा। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसकी? फूड एंड ब्रिवेजेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विस, आउटडोर केटरिंग, इनकी अगर आप सप्लाई गुड्स या दोनों लेते हैं तो आपको इनका ITC अवेलेबल नहीं होगा। साथ ही अगर मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इनका ITC अवेलेबल नहीं होगा। रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का ITC अवेलेबल नहीं होगा। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, तो इन केसेज में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या बोथ के केस में आपको ITC अवेलेबल नहीं होगा। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो इसके केस में भी आप नहीं ले सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट। फोर्थ है गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केसेस में भी आप ITC नहीं ले सकते। डिटेल में अभी आपको बताऊंगी, पहले हम डिस्कस करें कि इन पर ITC अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है हमारा गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज़ बिन पेड अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 टैक्स कौन पे करता है? जो होते कंपोजिट पर्सन, जो जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कराया होता है, तो उन पर्सन्स को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो ऐसी गुड्स और सर्विसेज या दोनों जिन्हें आप यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुड्स कौन कौन सी जो हो गई है लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड या स्टोलन या रिटर्न ऑफ या डिस्पोज्ड ऑफ या बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, इन पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। एज पर सेक्शन 17(5) दीज क्रेडिट्स आर ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। तो मैंने अब आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता दिया, चलिए अब डिटेल में इन सेक्शंस में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी एक्सेप्शंस के साथ इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, इस पर मैंने बताया आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, तो जिनका बिजनेस ही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे कि GTA, उनको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाइज, नेमली फर्दर सप्लाइंग सच व्हीकल और कन्वेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति डीलर्स, तो जो कन्वेंस या व्हीकल को सेल परचेज करने का काम करते हैं उनको भी मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स, तो जैसे कि ओला ने लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियाँ परचेज की हैं, तो उनको उसका ITC मिल जाएगा। फिर है हमारा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग फ्लाइंग सच व्हीकल्स और कन्वेंस, तो जो पर्सन ड्राइविंग ट्रेनर, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, जो ड्राइविंग सिखाते हैं कि फ्लाइंग सिखाते हैं, तो उन्हें भी मोटर व्हीकल या कन्वेंस परचेज करने पर मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप इन कैटेगरीज़ में, जो एक्सेप्शन वाली कैटेगरीज है, इनमें फॉल करते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज आप मोटर व्हीकल और कन्वेंस की परचेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, और अगर आपने ले लिया है तो उसे रिवर्स कर दीजिए जल्दी से जल्दी।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने बताया है द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो है फूड, बेवरेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विस और आउटडोर केटरिंग, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, पर इसकी भी एक्सेप्शंस हैं। इसकी एक्सेप्शन यही है कि जो पर्सन इसी से रिलेटेड आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। जैसे हम यहाँ पे नहीं मिलने का एग्जांपल लेते हैं फूड और बेवरेजेस, जैसे आपने होटल में जाकर अगर अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की और वहाँ पर जो आपके होटल का बिल आया आपने पे किया और उसे अपने बुक्स में, अपने बिजनेस की बुक्स में खर्चे में दिखा दिया, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। पर अगर किसी पर्सन का बिजनेस ही फूड एंड बेवरेजेस का है और उसी तरह की वो परचेजेस भी करता है तो उन्हें उसका ITC मिल जाएगा। इसी तरह से ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने ऑफर किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को जैसे ऑफर किया कि करवा चौथ के ओकेजन पे वो ब्यूटी ट्रीटमेंट जाके करा सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्लर में, और उस पार्लर का फिर जो बिल आया वो बिजनेस का खर्चा हो गया, पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। पर अगर किसी का बिजनेस ही ब्यूटी पार्लर का है तो वो उससे रिलेटेड जो भी गुड्स और सर्विस खरीदता है उसका उसे मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी तरह के केसेस कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के केस में रहेंगे, हेल्थ सर्विसेज के केस में रहेंगे और आउटडोर केटरिंग के केस में रहेंगे। अब बात करते हैं रेंट, कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की। इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, पर इसकी भी एक्सेप्शंस हैं। जो सबसे पहली एक्सेप्शन है वो है द गवर्नमेंट नोटिफाइज द सर्विस विच आर ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉल सेंटर। तो अगर लॉ उसे अबाइड करता है, मतलब लॉ की वजह से उस पर ऑब्लिगेटरी है वो सर्विस प्रोवाइड करना, तो उसको फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे कॉल सेंटर्स में क्या होता है, जो नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनमें अगर लड़कियां काम करती हैं तो उनके लिए कैब की फैसिलिटी मैंडेटरी है, मतलब उन्हें पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी कॉल सेंटर्स के को देना मैंडेटरी है, तो इस केस में उन्हें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। एक एक्सेप्शन और है, सच इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरीज इज यूज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी। तो इसमें भी यही रहेगा कि अगर सेम कैटेगरी के लिए आप आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं, मतलब इन्हीं कैटेगरीज की आपकी इनवर्ड सप्लाई है और इन्हीं कैटेगरीज की आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, तो भी आपको ITC मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ओबर का, और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के केस में भी ऐसे ही रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारी सर्विस, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिस पे मैंने बताया कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो पहली एक्सेप्शन तो होगी कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आपने ली है उस पे तो आपको ITC मिल जाएगा, पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने ली है तो उस पे ITC अवेलेबल नहीं होगा। पर इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, वेयर इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर ही वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए, तो उसे उसका ITC मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ना लेके वो पर्सन लेबर अलग लगा रहा है या मटेरियल अलग खरीद रहा है, तो उस केस में अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करा रहा है पर अदर देन प्लांट मशीनरी, तो उसे ITC अवेलेबल नहीं होता ऑन हिज ओन अकाउंट, इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे वो ये कहे गवर्नमेंट को कि मैं तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, पर प्लांट एंड मशीनरी की कंस्ट्रक्शन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है, नोट जो मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्शन वर्ड जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना अमाउंट आप कैपिटलाइज कर रहे हैं उस पर आपको ITC अवेलेबल नहीं होगा, पर जो अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ कैपिटलाइज होनी चाहिए उसे भी आप कैपिटलाइज ना करें इसके लिए ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो चीज़ कैपिटलाइज होनी चाहिए उसे आपको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, और जिसे आपने कैपिटलाइज कर दिया फिर उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर कोई रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन ऐसी है जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो की है तो उस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं।
तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि इन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसे हमेशा ध्यान रखिए अपनी बुक्स बनाते हुए, अपना ITC लेते हुए। अगर आपने ऐसा ITC ले लिया था जो भी मैंने आपको बताया है, तो उन्हें रिवर्स कर दीजिए अपनी बुक्स को फाइनल करने से पहले। अभी रिकन्सिलेशन होना है GST का और एनुअल रिटर्न जानी है, तो उससे पहले ये सभी काम कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा अवेयर करने के लिए, क्योंकि GST में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को, गलती से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो गलतियां अभी भी ठीक करने का टाइम है, तो उन्हें ठीक कर लीजिए। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।